सड़क का एक खौफनाक हादसा तेज़ रफ्तार इनोवा कार रोड डिवाइडर से टकरा कर उलट गई शहर हैदराबाद में वलीमा अटेंड करके वापस जाने वाले तीन नौजवानों का हुआ इंतकाल हादसे में मजीद तीन लोग हुए जख्मी जी हाँ ये अफसोसनाक खबर है नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट कटंगूर विलेज रासानी गुड़म् की जहां 8 जनवरी इतवार की इब्तदाई सातों तकरीबन साढ़े चार बजे सड़क का यह खौफनाक हादसा पेश आया इस हादसे में 21 साल उम्र वाले मोहम्मद इमदाद 21 साल उम्र वाले शेख समीर और 18 साल उम्र वाले शेख यासिन की स्पॉट पर ही मौत वाक हो गई जबकि दूसरे तीन लोग इस खौफनाक हादसे में जख्मी हो गए जिन्हें इलाज के लिए नकरेकल गवर्नमेंट अस्पताल कर दिया गया बताया जाता है कि महलूक नौजवानों का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट से है ये लोग 7 जनवरी हफ्ते की रात को शहर हैदराबाद के ओल्ड सिटी मोइन बाग में अपने किसी रिश्तेदार के पास वलीमा फंक्शन में शिरकत के बाद इनोवा कार के जरिए खम्भम वापस लौट रहे थे कार में जुमला नौ लोग सफर कर रहे थे लेकिन कार तेज रफ्तार होने की वजह से ड्राइवर मोहम्मद अरशद अली से बेकाबू हो गई और हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे सड़क पर उलट गई जिसके नतीजे में समीर और भी बुरी तरह से डैमेज हो गई और इस हादसे की इतला के बाद पुलिस हमले ने स्पॉट पहुँच कर यहाँ का तफसी मुआयना किया और फिर तफसी मालूम करने के बाद इस सिलसिले में एक केस बुक कर लिया महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए नकरे कल के गवर्नमेंट अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया तो चलिए इस मौके पर पेश है यहां के कुछ मनाजिर ब्यूरो रिपोर्ट आर एस न्यूज हैदराबाद